दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। जड़ा वाहिगुरु का सिमरन है, नाम है, वह दुखा नूं भन्न दिंदा है, दुखां दा खात्मा कर दिंदा। खात्मा इस कोई शंके वाली गल नहीं है। आ सवेरी हुण मैं आउण लग्या सी, को प्रोफेसर बोल रही सी बीबी, अपना नाम ही दसदी आ, रामगढ़ दी सी। उन्हां दी बच्ची नूं कोई मसल्स प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर कहिंदे इहदा दुनिया 'च इलाज कोई नहीं बणिया, कहिंदे दुनिया 'च कोई इलाज नहीं इहदा। वह कहिंदे सानूं इन्नी डिप्रेशन हो गई। उहदा बाप भी दस रहा है, वह लड़की की माँ जिहड़ी प्रोफेसर है बोल रही है, ना नहीं मैं एक बार सुनिया कि मैनूं याद नहीं, अज ही देखी सी। वह कहती मैनू डिप्रेशन हो गई, तो बाप बोल रहा लड़की का, कहिंदा मैं ये सोचन लग गया भी मैं पॉइजन पा देव इन दोवां नूं, तो आप भी खा लां तिन्ने मर्जी। वह दसदी सी बाणी भी पढ़ते स, गुरुद्वारे भी जाते सी, पर गुरु ते शरदा है नहीं सी। मन भटकता है, साडा भी गुरु वाले बने हैं तां भी मन भटकता टिकता नहीं हैगा, है ना। शरदा वालियां दी संगत करके शरदा पैदा होंदी है। उन्हें नौ लिया सर्व रोग का औखध नाम, जिस दे बानी ने सरदार हरदयाल सिंह जी, मैं ऐ भी कह सकदा संत बाबा हरदयाल सिंह जी। चंडीगढ़ तो हेल्थ डिपार्टमेंट विचों रिटायरमेंट होए सी, उन्होंने संस्था चलाई सी जिहदा वह बीबी ने जिक्र करिया। मैं बहुत समय बाबा जुगराज सिंह जी हुंदे सी उन्होंने कीर्तनीए, उन्हों की संगत ना बहुत कैंप अटेंड करे सी, उन्होंने बड़ा रस भिन्ना कीर्तन करते सी। जिवें इत्थे सतगुर कृपा वरताउंदे ने ना, इदां ही उन्हां कैंपां दे विच कुछ ही दिनां दे विच जिहड़े वह मरीज सी ना तंदुरुस्त हो जांदे सी। उहदा नां लिया उहने, बहुत खुशी हुई। उस संस्था के मैंबर ने भाई राम सिंह जी सैकटरी से, वह मोके तो बेनती कर रहा सी, गुरबाणी वो दस रहे सी। वो कहिंदी वो ला इलाज जिहड़ा मसल्स की प्रॉब्लम सी, वो कहिंदी दो साल सी संगत करी, मन भटकता रहा, फिर भी मन भजदा सी फलाने थाओं चलीए, फलाने थाओं चलीए, फलाने थाओं चलीए, होम्योपैथी लै लीए, फलानी लै लीए। दवाई कहिंदे सारियां दवाइयां जिहड़ी असली दवाई सी ना सारे रोगां दी, कहिंदी फिर वो संगत करके विश्वास आ गया। गुरुद्वारे तो पहला भी जांदे सी, कहिंदी बाणी पढ़दे सी। दो सालां बाद ऐसा यकीन आया सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते गुरबाणी ते, वो फिर जिहड़ा रोग सी, वो बच्ची भी बोल रही है, वो कहिंदी बिल्कुल ला इलाज का भी इलाज कर दिता, सर्व रोग का औखध नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। सारे दुखां नूं भन्नण वाला है। कई बार इहनूं लगता हुंदा है, आना परसों चौथे अपने भी मास्टर जी बैठे आ ना, इन्हां दी गल करके अमृत कहिंदा, हुण मैं गुरु दी हजूरी च कहिण लगे, इन्हां नूं तां दस्सिया नहीं दी इह गल। अमृत कहिंदा डॉक्टर ने सानूं कहता सी वी इहदी सेवा कर लो जाके, अखां भरिया, कहिंदा मेरा उत्थे भी रोण निकल गया जदों उहने इदां दी गल कही ना। कहिंदे असीं दस्सिया नहीं, इहनां नूं नहीं दस्सिया, असीं तुहानूं नहीं दस्सिया। वो कहिंदा अमृत उदन भी अखां भरिया, कहिंदा जी मेरियां तां अखां चों पाणी आ गया जदों डॉक्टर ने यह गल कही ना वी इहनां दी सेवा कर लो, बस कोई इलाज नहीं हैगा। मैं क्या
इलाज हैगा सर्व रोग का औखद नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुखा नूं भन्न दिंदा जिहड़ा परमेश्वर का नाम है। पर जद असीं नाम ना जुड़े ही नहीं, नाम की सानूं सोझ ही नहीं, फिर साडे अंदर भटकना है। असीं दरां दरां ते भटकते फिरते हाँ। ਉਹੀ ਭਟਕਣਾ ਭੱਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਭਟਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਤ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹੇ ਦਿਸਤਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਖ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਟਕਣਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਟਕਣਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ।